अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि अब तक चुनाव आयोग की तरफ से इसके सटीक तारीख का ऐलान नहीं किया गया। इससे पहले ही दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने 31 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से इन नाम के ऐलान के साथ ही एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए एक तरकीब निकाला गया और इस कदम को उठाते हुए करीब 18 विधायकों से आम आदमी पार्टी ने सीट छीन ली। आपके अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी ने इतना बड़ा फैसला लिया। बताते चले, विधायकों से छीनी गई सीटों में से अधिकतर वो सीट शामिल है जहां से उन विधायकों ने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की। इतना ही नहीं, इस बार आम आदमी पार्टी ने नए चेहरों पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लिया गया ये फैसला इस वक्त चर्चा का विषय बन गया। अगर पूरी लिस्ट की बात करें तो कुल 31 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई और बदलाव में शुमार नाम में सबसे बड़ा नाम पूर्व डिप्टी सीएम और पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया का है, जिनकी सीट बदल दी गई। नरेला सीट से मौजूदा विधायक शरद कुमार की जगह दिनेश भारद्वाज को टिकट दिया गया। तिमारपुर सीट पर मौजूदा विधायक और विधानसभा के चीफ व्हीप दिलीप पांडे की जगह सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को मौका दिया गया। आदर्श नगर से विधायक पवन शर्मा को इस बार मौका नहीं दिया गया। पवन के स्थान पर इस बार नगर निगम में वरिष्ठ पार्षद नेता मुकेश गोयल को उतारा गया। मुंडका से धर्मपाल लाकड़ा की भी छुट्टी कर दी गई, उनकी जगह इस बार जसबीर काराला को उतारा गया। चांदनी चौक सीट से 2020 में आम आदमी पार्टी के प्रहलाद ने चुनाव जीता, इस बार पूरनदीप सिंह स्वनेह को टिकट दिया गया है। मादीपुर सीट से इस बार गिरीश सोनी का पत्ता कट गया, उनकी जगह राखी बिडलान को उतार दिया गया, जो अब तक मंगोलपुरी से लड़ती रही हैं। जनकपुरी से 2015-2020 में आम आदमी पार्टी के राजेश ऋषि ने जीत हासिल की, इस बार उनकी जगह प्रवीण कुमार को टिकट मिला है। बिजवासन से 2020 में भूपेंद्र सिंह जून ने जीत हासिल की, उनका टिकट काटकर अब सुरेंद्र भारद्वाज को मौका दिया गया। पालमा से 2015-2020 में भावना गौड़ ने शानदार जीत दर्ज की, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया। भावना की जगह जोगिंदर सिंह सोलंकी को मौका दिया गया है। जंगपुरा से प्रवीण कुमार को हटाकर मनीष सिसोदिया को टिकट दिया गया। देवली से दो बार जीत चुके प्रकाश जारवाल की जगह इस बार प्रेम कुमार चौहान को टिकट मिला है। त्रिलोकपुरी सीट से मौजूदा विधायक रोहित कुमार को हटाकर अंजना परचा को टिकट दिया गया। कृष्ण नगर से एसके बग्गा ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब विकास बग्गा को उतारा गया। शाहदरा से रामनिवास गोयल की जगह पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी को उम्मीदवार बनाया गया। मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस की जगह इस बार आदिल अहमद खान को टिकट दिया गया। बुराड़ी से ऋतुराज झा की जगह भाजपा से आए अनिल झा को टिकट मिला। सीलमपुर से अब्दुल रहमान की जगह चौधरी जुबैर अहमद को टिकट दिया गया। मटियाला से गुलाब सिंह की जगह कांग्रेस से आए पूर्व विधायक सुमेश शौकीन को टिकट मिला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।